मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से सिद्ध क्षेत्र भीमकुंड में 3,72,00,000 रुपए की सौगात दी है, जिसकी क्षेत्रीय विधायक और राज्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी ने आधारशिला रखी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने की है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक, गुड्डन पाठक, आनंद सिंह बुंदेला मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक प्रद्युमन सिंह ने कहा कि भीमकुंड का जहां पौराणिक महत्व है, वहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। जब भी भूगर्भ में प्राकृतिक हलचल होती है तो इसके संकेत यहां मिल जाते हैं। पर्यटन क्षेत्र होने से लोगों को रोजगार मिलेगा। डेस्टिनेशन से पर्यटक स्थल भी कहते हैं, तीर्थ स्थल भी कहते हैं। बुंदेलखंड का और पूरे देश का बहुत ही अच्छा स्थल भीमकुंड धाम पर आज 3,72,00,000 की लागत से हम यहां का सौंदर्यकरण कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज माननीय अध्यक्ष जी विनोद जी के साथ यहां का भूमि पूजन किया गया है, जो निर्माण कार्य 4 महीने में पूर्ण हो जाएगा। आने वाले समय में यदि इसमें भी और जरूरत पड़ेगी तो और भी धनराशि यहाँ लगाई जाएगी और स्थान को और भी सुंदर बनाया जाएगा। सबके माध्यम से मैं लोगों को आमंत्रित करता हूँ, जब ये काम यहाँ हो जाएगा भीमकुंड का, तो इस काम को देखने आए, भीमकुंड का आनंद लें। और जितने भी पर्यटक स्थल हैं, मुझे अभी बक्सवास में आ रहा था तो 2 पर्यटक स्थल के संदर्भ में हमारे मंडल अध्यक्ष ने अवगत कराया है। मैंने अपने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया है कि वो वहाँ जाके वहाँ की DPR बनाए।